है। और हम ये नहीं कि किसी भी किसी से कुछ मांग रहे हैं या क्या है, तो ये है कि ये हमारा बहुत क्लोज जो है वो हमारे हमारे दिलों में है, हमें उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जब हम उसको महसूस करते हैं तो वो हमारे पास होता है, वो हमारे दिलों में होता है। अच्छा, एक जो यहूना के जो खत है उसमें खुदावन की एक बड़ी खूबसूरत जो तस्वीर दी गई है, हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट, और कभी आपने इस पर गौर किया है? और मैं आपने जो बाकी दोनों ने बताए हैं कि वो पाक है और खुदा के बारे में जो एक मैं समझता हूँ बड़ी खास जो बात है उसको हमें सीखने की जरूरत है। पहला यहूना उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत को हम देखेंगे, आखिरी इस आयत के आखिरी हिस्से को आप देखें। हाँ जी, क्या लिखा है जी, अगर किसी ने निकाला? पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत, 1 John 4:8, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा महदूद है। मैं इसको पहला यूहन्ना का खत उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत। हाँ जी, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। हाँ जी, अब यहाँ पर आप देखें कि जो बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है खुदा के एट्रीब्यूट्स के हवाले से कि गॉड इज होली, अभी हमने तेरा नाम पाक माना जाए, गॉड इज जस्ट, वो जानबदारी से और शफाफ तरीके से जो है वो अदालत करता है, वो रास्त है, उसकी अदालत रास्त है। और फिर हम ये देखते हैं कि गॉड इज लव, खुदावन जो है वो मोहब्बत है। तो ये चंद एक जो खास बातें हैं खुदावन के हवाले से और खुदावन की एग्जिस्टेंस के हवाले से, खुदा जो है वो मौजूद है, तालबों को जो है वो बदला देता है, खुदावन का बातला में ये बताता है। तो जब तक हमें खुदावन का इल्म नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, उस वक्त हम उसको इज्जत नहीं दे सकते। ठीक है, जब तक आप किसी को जानते नहीं है, जब तक आप उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, यू कैन नॉट ऑफर सच रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। और यहाँ पर रेवरेंस की बात हो रही है, वो जो कि इज्जत हम मोहब्बत से देते हैं, नॉट आउट ऑफ फियर। और मैं हमेशा ये लफ्ज, मुझे लफ्ज बहुत अच्छा लगता है रेवरेंस, इसी से लफ्ज रेवरेंट जो है वो निकला है, काबिल इज्जत, और ये लफ्ज खुदा के खादिमों के लिए इस्तेमाल होता है। तो रेवरेंस जो है, जो इज्जत जो है हमारे लिए काबिल इज्जत खुदा, उसी सूरत में हम खुदा को इज्जत दे सकते हैं अगर हमें खुदा के बारे में मालूम होगा कि खुदा कौन है। तो खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर इस दुआ रबानी में हमें ये बताया है कि तेरा नाम पाक माना जाए। और फिर आगे चलकर हम इसको देखते हैं, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि क्या खुदावन की मर्जी जो है वो जमीन पर पूरी हो रही है? हाँ जी, सुमन्य जी कुछ क्वाइट हैं और है तो ऑनलाइन। हाँ जी, आप में से कोई जवाब देना चाहे, डू यू बिलीव दैट गॉड्स विल इज फुलफिल्ड ऑन दिस अर्थ, खुदावन की मर्जी जो है वो पूरी हो रही है? Not always. नहीं हो रही। ये बहुत बड़ी हकीकत है और इसकी बड़ी अहमियत है when we are talking about the king. अच्छा, next मुझे बोलना चाहिए कि next week से I'm going to talk about the kingdom of God, मैं जो रात को जो स्टडी होगी खुदा की बादशाहत के बारे में, मैं जो ना पूरी बाकायदे की जो स्टडी देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर आज मैं थोड़ी देर के लिए इसी हवाले से। हाँ जी, एडर वकील साहब, आप क्या कहते हैं? नहीं, जैसे सिस्टर साइमन ने कहा, नहीं अभी एक नाम बाइबल के हवाले से देखें तो हमें तो नजर नहीं आ रहा कि पूरी हो रही। थैंक यू, क्योंकि खुदावंद मसीह ने कहा कि तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। अब इसमें पहले तो बात तक हमें इस एक हकीकत को जानने की जरूरत है जो कि खुदावंद मसीह ने इस 10वीं आयत में कही है कि खुदावन की जो मर्जी है वो पूरी नहीं हो रही, और खुदावन चाहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। इसका मतलब है कि आसमान पर खुदावन की मर्जी जो है वो पूरी हो रही है, लेकिन जमीन पर खुदावन की मर्जी जो है वो इंसान जो है वो पूरी नहीं कर रहे। और आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है, जब हम
रोजाना दुआएं बानी पढ़ते हैं और खुदावंद को हम कह रहे हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी, लेकिन जिन्होंने मर्जी पूरी कर ली है वो करते नहीं है खुदावंद की मर्जी पूरी। तो ये बड़ी जो दुआएं बानी है इसमें इस बात को हमें सीखने की जरूरत है। देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ ओबीडियंस, खुदावंद की ताबे फरमाने की करने की जरूरत है और खुदावंद की बादशाही के बारे में हमें जानने की जरूरत है कि खुदा की बादशाही जो है, द किंगडम ऑफ गॉड इज अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर खुदा की जो कामल मर्जी है ना वो पूरी होनी चाहिए। और इस दुआ बानी में खुदा ये चाहते हैं कि हम खुदा की जो मर्जी है, खुदा उनका जो इरादा है उसको हम अपनी जिंदगी में पूरा करें। कैसे जी हम खुदा उनकी मर्जी को पूरा कर सकते हैं, जैसे आप दोनों ने फीडबैक दी कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं काफी तादाद में हमारे साथ लोग हैं फेसबुक पे, तो इफ दे वांट टू ऐड एनीथिंग इनटू दैट सो दे कैन गिव मी अ कॉल। यू आर ऑलरेडी ऑन दैट फेसबुक, आप तो पहले इस पे हैं, व्हाट्सएप पे, तो अगर आप कॉल करना चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो कैसे हम खुदा की मर्जी को जमीन पर पूरी कर सकते हैं? जैसा हमने देखा कि खुदा मोहब्बत है, सो जस्ट लाइक लव थाई नेबर, हां जी इस पे कर सकते हैं खुदा की मर्जी। जब हर तरफ प्यार मोहब्बत होगा, हमने सब्र होगा, एक दूसरे को माफ करने वाले होंगे जी, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम बच सकते हैं जी। बेटा सना जी, पास्टर साहब, खुदावंत के कलाम को पढ़ने से, उसके मुंह की बातें सुनने से और उस पे अमल करने से और अपने आप में जो है वो हमें स्टबननेस नहीं लेके आने, क्योंकि हम खुदावंत की आवाज को नहीं सुनते हैं, तो इन सारी चीजों को चेंज करने से जो है वो हम खुदावंत की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। सुबह मैं जब आज दोपहर में जब 2 बजे की जो सर्विस थी उसमें होली स्पिरिट की जो बात कर रहा था कि खुदावंत का जो पाक रूह है उसकी हम बात कर रहे थे कि शागिर्द जो है खुदावंत के साथ थे और उन्होंने मौजज़ात को भी देखा और सारी बातों को देखा, लेकिन वो खुदावंत की मर्जी को पूरा ना कर सके और डरते थे और छुपके थे और उस वक्त उन्होंने मनादी नहीं की जब खुदावंत सलूब हो गए और फिर जब जी उठे और उन्होंने जी उठे मसीह का तजर्बा किया, पाकुल से मामूर हुए, तो फिर उन्होंने खुदावंत की मर्जी को जो है वो पूरा करना शुरू किया। तो खुदावंत की जो मर्जी है वो इसलिए पूरी नहीं हो रही, एक पहली जो बुनियादी बात है कि हम खुदावंत के पाक रूप अपनी जिंदगी में काम करने नहीं देते, और जब तक खुदावंत का पाक रूप हमारे अंदर नहीं आएगा उस वक्त हम खुदावंत की मर्जी को पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि खुदावंत का पाक रूप जो है वो हमें कायल करता है, वो कायलित कर रूप है और वो हमारी मदद करता है ताकि हम खुदावंत की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें। तो खुदावंत की मर्जी को पूरा करने के लिए हमें विजडम की जरूरत है। यूनानी जबान को बड़ा अच्छा खूबसूरत लफ्ज है सोफिया, तो सोफिया जो है दैट इज अ विल ऑफ गॉड, माइंड ऑफ गॉड। जो ग्रीक जो एरिस्टोटल और जो लोग थे तो वो इसमें बड़ा जोर देते थे कि हिकमत की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको सोफिया का नाम जो है वो देते थे। तो सोफिया क्या है? हिकमत और दानिश, और खुदावंद जो है वो मंबा है हिकमत और दानिश का। और अगर हम इंसान की किताब को देखें तो खुदावंद का पाकलन बताता है कि खुदावंद का खौफ जो है हिकमत और दानाई का शुरू है। तो जब तक हम अपनी जिंदगी में खुदावंद के ताबे फरमान नहीं होते, जब तक हम खुदावंद के पाक रूह को मौका नहीं देते कि हमारी जिंदगी में आए और काम करे, उस वक्त खुदावंद की मर्जी जो है हमारी जिंदगी में इस जमीन पर पूरी नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हिकमत की, हमें खुदावंद की हिकमत की जरूरत है। और हिकमत जो है वो कहाँ से आती है? खुदावंद के पाक कलाम से। जब तक हम खुदावंद के पाक कलाम को नहीं पढ़ेंगे, इस मैंने आपको बताया था कि जो लोगास है, लोगास खुदावंद यीशु मसीह जो है वो लोगास है, वो कलाम है, और वो कलाम में जस्म हुआ और जो कलाम मैं पेश कर रहा हूँ दैट इज अ रेमा, जो आपके साथ में शेयर, बड़े अच्छे अल्फाज है यूनानी जबान के, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये रेमा है, वो खुदावंद का पाक कलाम है जो खुदावंद की पाक रूह की कुव्वत से हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए इन चीजों को सीखने की जरूरत है। अगर लोगास ना हो तो रेमा नहीं होता, एक तरतीब है, और जब तक लोगास नहीं है उस वक्त तक रेमा नहीं होता, और अगर रेमा जो है जो खुदावंद का स्पोकन वर्ड है अगर वो नहीं होगा तो फिर उस वक्त तक सोफिया जो है वो नहीं है, हिकमत नहीं आएगी। इसलिए हमें लोगास की भी जरूरत है, हमें रेमा की भी जरूरत है, हमें सोफिया की भी जरूरत है ताकि हम खुदावंद की मर्जी को जो है वो अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें।
और खुदावंद जो है वो मुहैया करता है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और इसमें हम प्रोविडेंस ऑफ गॉड को देखते हैं। खुदावंद जो है वो रोजाना हमें मुहैया करते हैं, और वो हमारे मुहैया करने वाला है वो यहोवा यरी है। तो दरअसल खुदावंद जो है वो यहाँ पर रूहानी खुराक की बात करें कि हमें स्पिरिचुअल फूड जो है वो भी चाहिए। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का कलाम हमें जो यूहन्ना उसका 6 बाब उसमें देते हैं, खुदा इसमें सीजा वो जिंदगी की रोटी है। और खुदा उसमें बड़ी सफाई के साथ इस बात का दावा किया कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तो खुदावन के से हमें इस रोज की रोटी, अब ये जो खुदाओं का पाक कलाम है, मुझे याद है जब मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता था तो मैंने मेरे जो प्रोग्राम का नाम था वो डेली ब्रेड था, और उसका नाम है इसलिए डेली ब्रेड रखा हुआ था कि रोजाना हम खुदावन की इस खुराक को लेते हैं। एंड दिस फूड इज गुड फॉर अवर माइंड सोल एंड हार्ट, और ये जो स्पिरिचुअल फूड है इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदावन जो है वो सप्लाई करता है, वो मुहैया करता है, और वो जिंदगी की रोटी है। और खुदा का पाक कलाम बताता है कि हमें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और अगर मेरे साथ हम मत्ती का अंजील उसका 6 बाब देखें तो उसकी 31 आयत को हम देखेंगे, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर को में रहते हैं, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज का दुख काफी है। तो यहाँ पर उदाहरण हमें ये सिखाना चाहते हैं कि वी डोंट नीड टू बी एंग्विश अबाउट आवर डेली नीड, कल के लिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और खुदावन हमें सिखाते हैं कि हमें जो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिर 25 साइड में भी इस बात को, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे, क्या जान खुराक से बदन पोशाक से बढ़कर दी। हवा के परिंदों को देखोगे, ना बोते हैं ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते। तो यहाँ पर खुदावन ने मना किया कि हम फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और खुदावन से हमें मांगने की जरूरत है। वो हमारी फिजिकल नीड को भी पूरा करता है, वो हमारी रूहानी जरूरियात को पूरा करता है। तो हमें इन दोनों चीजों के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि वो हमें हमारी रोज की रोटी जो है वो हमें देता है, जिसमें हमारी स्पिरिचुअल जो नरिशमेंट भी होती है और हमारी फिजिकल जो नरिशमेंट है वो भी खुदावन जो है करता है। और फिर हम जब 12 आयत को देखते हैं तो यहाँ पर देखा, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया तो हमारे कर्ज में माफ कर। तो यहाँ पर एक जो असूल जो है खुदावन ने वो वजह किया, और वो असूल ये है कि जो फॉरगिवनेस है उसके लिए, अच्छा फॉरगिवनेस या गुनाह के लिए जो मैंने एक आपको सिखाई थी बात, गुनाह कैसे हम तौबा कैसे करते हैं, तो किसी को याद है आप में से उसके क्या स्टेप्स हैं? वो तमाम जो आपको अगर याद हो, हाँ जी, तो हम यहाँ पर देखते हैं खुदा गुनाह के बारे में कर रहे हैं कि जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया तो हमारे कर्ज में माफ कर। तो देयर इज अ प्रेयर फॉर फॉरगिवनेस, जैसे हम यहाँ पर खुदा से ये सीखते हैं कि इंसान होते हुए हमें जरूरत है कि हमारे गुनाह जो है वो माफ किए जाएं। तो इसमें जो पहली बात जो इसको जरूर अभी नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं दोबारा इसको आपसे पूछूंगा किसी वक्त। जी हाँ जी बिल्कुल, एहसास से गुनाह, हाँ जी ठीक, हाँ जी बिल्कुल। पहली बात जो इसमें हम देखते हैं वो है गुनाह का एहसास करना कि वी आर ऑल सिनर। और यूहन्ना के खत में भी हम इस बात को देखते हैं कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह तो हम उसे झूठा ठहराते हैं। Nobody is perfect. Nobody is saying that we are not sinner. तो यहाँ पर हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि सबसे पहली बात है कि हमें गुनाह का एहसास जो है वो होना चाहिए, और दूसरी जो बात है कि सिर्फ एहसास करके नहीं बैठे रहना बल्कि हमें गुनाह का इकरार भी करना है खुदा के हुजूर। और कन्फेशन जो है पहले जो है रियलाइजेशन उसको कहा जा सकता है कि सबसे पहले रियलाइजेशन है और फिर उसके बाद कन्फेशन है। और फिर आखिरी जो बात है, we need to repent from our sins, कि हमें अपने गुनाहों से
उनको तर्क करने की जरूरत है, एहसास कर लेना, इकरार कर लेना भी काफी नहीं है कि अच्छा ठीक है जी मैं गुनाहगार हूँ, और रोते रहे इस बात पर, और फिर आप इकरार भी करें खुदा के दूर बार बार जाकर कि जी ओ आई एम अ ग्रेट सिनर, आई एम अ ग्रेट सिनर। तो खुदावन कहता है कि जब भी खुदावन ने किसी को शफा दी तो खुदावन ने क्या कहा कि जा बेटी जा बेटा फिर गुनाह ना कर। तो सिर्फ एहसास कर लेना इकरार कर लेना काफी नहीं है, बल्कि उन गुनाहों को तर्क करना और तौबा करना जो है ये बड़ी ही जरूरी बात है। गुनाह के बारे में ये जो लोगों की जो गलत सोच है ना, इसको मैं समझता हूँ बड़ी जरूरी है। अब वो लोगों को ये नहीं पता कि गुनाह है क्या है, और इसके लिए भी मैं आपको चाहता हूँ कि आप जरूर जो यूनानी का जो बहुत सारे और अल्फाज है लेकिन मैं आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता। तो एक लफ्ज होता है हमारतिया, हमारतिया जो है वो जब आप देखते हैं डार्ट खेलते हैं तो एक मिसिंग द मार्क जो आपका निशाना जो है खता हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि जिसका निशाना खता हो गया है ना, तो खता जो है वो मिसिंग द मार्क जो है दैट इज द सिन। तो हम सब गुनाहगार हैं और हम बातों बातों में पालोस कहते हैं कि हम खता कर जाते हैं। ऑनेस्टी जो है वो बड़ी जरूरी है, हमें खुदावंत के साथ ऑनेस्ट होने की जरूरत है और खुदावंत के जरिए इस बात का इकरार करने की जरूरत है कि हम सब गुनाहगार हैं। खुदावंत का कलाम सिखाता है कि हम अपने गुनाहों से गुनाहों का इकरार करें तो हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। तो हमें खुदावंत जो है वो चाहते हैं कि हम उसके हजूर ऑनेस्ट होए और हम्बली वी नीड टू कन्फेस अवर सिंस, और खुदावंत से दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंत हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि आखिर जो बात है कि हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, तो हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। तो ये एक रिक्वेस्ट है दुआ में कि खुदावंद जो है वो हमें, वो हमारा डिफेंस करता है, वो हमें संभालता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो उस दुआ के बारे में हम ये भी सीखते हैं कि खुदावंद से हमें दरख्वास्त करने की जरूरत है, बिकॉज देयर आर सो मेनी टेम्पटेशन इन योर लाइफ। Even Jesus Christ, he gone through all these things. खुदा मसीह को आजमाया गया। तो यहाँ पर हम खुदा से दुरख्वास्त करते हैं खुदा हमें आजमाइश में ना ला। और आप देखें कि जब अय्यूब की आजमाइश हुई तो उसका खानदान चला गया, उसके भेड़ बकरियां खत्म हो गए। तो हमें ऑल द टाइम हमें खुदा से दुख, क्योंकि कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं जो कि बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन खुदा का कलाम ये सिखाता है कि खुदा ने हमें हमारी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता बल्कि आजमाइश की राह भी पैदा कर देता है। तो ऑल द टाइम वी नीड टू आस्क हिम कि खुदावंद तुम्हें आजमाइश में न डाल, और वो हमारा मौकम किला है, हमारे छुपने की जगह है, हमारी पनाहगाह है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें संभालता है। और आखिर में ये जो हम देखते हैं क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब दुआ खत्म करते हैं तो खुदावंद के नाम से उसको खत्म करना चाहिए। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदावंद की खुदूसियत, खुदावंद के नाम को जलाल देना, और बड़ी खूबसूरत बात है क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं बादशाही और इख्तियारात और कुदरत ग्लोरी एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सब कुछ जो है वो खुदावंद के हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस दुआरबानी में ये चंद एक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको हम और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते थे लेकिन वक्त की कमी के बायस में इनको फिर खुदावंद की सुखचार में पूरा जो अकीदा है उसके बारे में दुआरबानी के बारे में जरूर आपको सिखाऊंगा। लेकिन आज मैंने जो ये चंद जो बातें थी इनको आपके गौरजा किया है, और फिर चौदहवीं आयत को भी हम खत्म करेंगे, चौदहवीं पंद्रहवीं आयत को। इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। सो इट्स अ क्लियर, यहाँ पर इसकी कोई इतनी ज्यादा तफसीर की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक असूल जो है वो वजह किया गया है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे कसूर माफ करें तो हमें भी लोगों के कसूर जो है वो माफ करने की जरूरत है। और कहते हैं अगर तुम लोगों के कसूर माफ नहीं करोगे तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। बाइबल मुकद्दस में एक तमसील के साथ में इस बात को खत्म करूंगा कि एक शख्स था जो जिसने अपने मालिक के अपने आका के पैसे जो है उसने देने थे, और जब उसके पास गया तो उसने कहा जी मेरे पास नहीं, तो उसने कहा कि इसको कैद में डाल दो, तो रोया चलाया, तो बादशाह ने उसके पैसे जो है उसको माफ कर दिया, उसका ठीक है तेरा कर्ज माफ हुआ। तो जब बाहर गया तो उसी शख्स के किसी और शख्स ने पैसे उसके देने थे, उसके मुलाजम ने उसके पैसे देने थे, तो उसने उसको पकड़ा और उसको कहा जी मेरे पैसे दे, तो उसने कहा जी मेरे पास नहीं, उसको मारा पीटा। तो जो बादशाह था उसके मुलाजमों ने बताया कि जिस शख्स को आपने माफ किया था उसने बाहर जाकर तो देखें क्या किया है।
तो बादशाह ने उसको बुलाया तो उसने कहा कि यार देख मैंने श्री नौकर मैंने तेरे गुना तेरे कर्ज माफ कर दिए थे तो क्या तुझ पर लाजम नहीं था कि तू भी माफ करता। तो उसने कहा कि इसके खानदान को इसको कैद में डाल दो और जब तक ये पाई पाई अदाना कर दो इसको छुड़ाना चाहिए। तो खुदावन ने जब हमारे गुनाह माफ किए हैं, जब खुदावन ने हमारे कसूरों को माफ किया है, तो हमें भी एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है। अगर हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो वो भी हमारे कसूर माफ नहीं करेगा। ये एक वो असूल है बाइबल के जिनको हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दीज आर द प्रिंसिपल इन द बाइबल। और मैंने आपको बताया था कि बहुत दफा हम इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बाइबल के जो असूल हैं, जो जवाबत हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। और ये जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, इसको मैंने कहा था कि ये जो सर्मन ऑन द माउंट, दिस इज द गोल्डन टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, दिस इज द मैनिफेस्टो ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। तो खुदावन की बादशाही में रहने के लिए, उसमें दाखिल होने के लिए, खुदावन की मर्जी को पूरा करने के लिए हमें इन तमाम असूलों को, इन तमाम बातों को हमें पूरा करने की जरूरत है। इसलिए जब भी हम दुआएबानी पढ़ते हैं, चाहे आप दिन में 10 दफा दुआएबानी पढ़ें, चाहे 1 दफा पढ़ें, ट्राई टू बी सेंसिबल और बड़ी केयरफुली, बड़ी एहतियात के साथ आपको इस दुआएबानी को पढ़ने की जरूरत है। आप इसको वैसे एक विर्द के तौर पर, के रूटीन के तौर पर ना पढ़ें, लेकिन जब भी आप दुआएबानी पढ़ते हैं, यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द वर्ड्स। जो भी आप अल्फाज बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, उनको बड़े ध्यान के साथ और एहतियात के साथ आपको उनको पढ़ने की जरूरत है, उन पर गौर करने की जरूरत है। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। अगर कोई क्वेश्चन है इस वाले से तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी तो बहुत लाइक हो गई। नहीं, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है पास्टर साहब, एक्चुअली वर्ड टू वर्ड किया, इट्स सो क्लियर। थैंक यू। चाहता हूँ कि आप दोनों थोड़ी थोड़ी इसकी समरी जो है वो जरा थोड़े से, ताकि मैं आपके जो मुंह से अल्फाज सुनना चाहता हूँ कि जो इसकी जो समरी है वो थोड़ी सी आप बताएं, फिर उसको अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी तो एल्डर की इन सब उसमें ऐड करेंगे। जरा थोड़ा ना वो एक याद आई, सबक जब सिखाया जाता तो तरीके आ सीखा है, और उसकी तरह याद आनी जो है समरी जो है वो आप जरा पेश करें बेटा। जी, अभी जो आज आपने हमें सिखाया है वो दुआए रुबानी के बारे में सिखाया है, रब की दुआ, लॉर्ड्स प्रेयर। और इसके हमने वर्ड टू वर्ड जो है वो आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो आसमान के लिए आपने बताया है कि ज्यादातर जो है वो दुनिया में यही लिया जाता है कि 7 आसमान है, जबकि जो हमारा हमारे बाइबल के मुताबिक है वो 3 आसमान है। और खुदावन का जो तख्त है इसको आपने किप्रिया का नाम बताया, और खुदावन की पाकीज़गी के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया है, आपने जो हमें बताया कि खुदावन क्या है उसकी पाकीज़गी के मुताबिक, और हमारे नजदीक खुदावन क्या है, तो उसमें जो है वो आपने हमें बड़ी अच्छी तरह से रेफरेंसेस के साथ बताया कि खुदावन मोहब्बत है, और जो है वो इसी तरह जो है वो हमें भी इसी तरह रहना है जिस तरह हमें खुदावन का बाइबल उस रेफरेंस में बताया गया है यूहन्ना के पहले खत में। और इसके अलावा जो है कि हमें खुदावन की मर्जी जो है वो पूरी हो रही है कि नहीं जमीन पे, जैसे कि हम पढ़ तो लेते हैं कि ये आसमान पे पूरी तेरी बात, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, तो आसमान पर तो खुदावन की मर्जी पूरी हो रही है, तो क्या जमीन पे हम खुदावन की मर्जी पूरी कर रहे हैं? जिसका क्लियरली जवाब ये है कि हम खुदावन की मर्जी पूरी नहीं कर रहे हैं। हम इसको पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम खुदावन की मर्जी पूरी नहीं करते। और हम खुदावन की मर्जी को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसमें आपने हमें ये बताया है कि जो है खुदावन का पाकलाम पढ़ने से, और खुदावन को जानने से, और हमें वो अक्ल हिकमत दानाई चाहिए है, जो कि जब हम खुदावन का कलाम पढ़ेंगे तो वो हम अक्ल हिकमत दानाई जो है वो भी हम खुदावन से मांगेंगे, ताकि हम ये जान सकें कि जो है वो खुदावन क्या है और हम कैसे खुदावन की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ये देखें कि रोज की रोटी जो है उसमें रोज की रोटी को हम लोग बाज दफा सिर्फ यही समझ के सब लोग पढ़ते हैं कि रोज की रोटी है जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं,
क्या मैं अकील भाई के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रही। आमतौर पर हमने देखा कि लोग जो खाना खाते हैं तो उसमें कहते हैं चलिए दुआए बानी वहां पढ़ लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमने दुआ कर ली बस। तो ये जिस्मानी खुराक की बात नहीं है, यहाँ पर रूहानी खुराक की भी बात है। तो थैंक यू आपका। तो जी अकील साहब आपने क्या इसमें से जी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जैसे कि आपने बताया था कि खुदावंद ने ये वर्ड यूज किया ए हमारे बाप, सो इट्स कलेक्टिव, उसने ये नहीं कहा कि ए मेरे बाप, उसने कहा ए हमारे बाप। तो ऑब्वियसली उन्होंने उनकी एक कादर मुतलिक जो उनका एट्रीब्यूट है उसको जाहिर किया कि वो सबके खुदा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि ए हमारे बाप, और फिर उसके बाद जैसे कि उन्होंने बताया आसमानों की बात की और उन्होंने ये कहा और देखिए जैसे हम अपने कसूरदारों को माफ करते हैं वैसे ही हमारे कसूर में माफ कर। तो ऑब्वियसली उसमें फिर कसूर और गुनाह की बात आपने की है कि सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हमारी क्या खताएं हैं, हमारी क्या कमियां कमजोरियां हैं, और हमें इनको कन्फेस करके रिपेंट करना चाहिए और अपने आप को खुदा के पास लाना चाहिए। और फिर इस दुआ के एंड पे उन्होंने खुदा की खुदूसियत को जो है बाप की खुदूसियत को जो है रिकॉग्नाइज किया है। और या वेरी गुड, बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भी आपने जिस तरीके से इसको बयान किया है, इसका मतलब यह है कि आप बड़े ध्यान से इसको सुन रहे थे। और हम कोशिश करेंगे कि मैं असल में ये नहीं चाह रहा था कि भी बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इसको जल्दी जल्दी हम खत्म कर दें। तो हम कोशिश करेंगे कि जो आने वाले दिनों में हम जो बाकी का जो हिस्सा है छठे बाब का उसको खत्म करें और फिर हम सातवें चैप्टर पे चलेंगे। तो चाह तो हम नेक्स्ट सैटरडे जो है इसका आखिरी हिस्सा जो है उसको हम छठे बाब का आखिरी हिस्सा जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने अपना टाइम दिया और आप इस स्टडी में शामिल हुए। तो हम दुआ करेंगे और फिर उनकी बरकत चाहेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज के सारे इस प्रोग्राम के लिए। तो आइए हम दुआ मांगें। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि खुदा हमने तेरे पाक रू की रहनुमाई में इससे दुआ रबानी के बारे में हमने सीखा। अरे कर खुदा वो बातें जो तूने आज हमें सिखाई हैं खुदा को हमारे जहन में नक्श कर ताकि इब्लीस कभी भी खुदा उन्हें चुभने ना पाए। प्यार यीशु ये बीज जो बोया जाए खुदा बहुत सफल लाए। प्यार खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। मैं खुदा इन बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, इन पर तेरा दाना हाथ चाहता हूँ। खुदा जितने लोग भी सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में शामिल है उन सबको बड़ी बरकत दे और कल के सारे प्रोग्राम्स को हम तेरे हाथों में देते हैं। सारी इबादत में तुम्हारी मदद करना और बड़ी बरकत देना, रात भर तुम्हारे साथ हो और प्यार खुदा हमें आराम और चैन देना और मीठी नींद देना। सुबह उठे हमारे होंठों पर तेरी साइश हो, बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। मेरे रोज रोटी आने बख्श दे, इस अपने सुवर को माफ करते हैं तू मेरे सुर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़े, बादशाही का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाकुर की रफाकत और शराकत से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे और